कर लिया। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम परविंदर सिंह। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बिजनेस स्टडीज क्लास 12। इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ा था हेनरी फोर्ड के 14 प्रिंसिपल्स। आज हम पढ़ेंगे एफ डब्ल्यू टेलर के साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। टेलर ने प्रिंसिपल्स भी बनाए हैं और कुछ टेक्निक्स भी बनाई है। टेक्निक्स वाले वीडियो हमने पहले आपके साथ शेयर कर दी है, कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको देख लीजिए। हेनरी फोर्ड के प्रिंसिपल्स की भी वीडियो हमने अपलोड कर दी है। आज हम बनाएंगे, डिस्कस करेंगे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बाय एफ डब्ल्यू टेलर। टेलर ने टेक्निक्स के साथ साथ कुछ प्रिंसिपल्स भी बनाए हैं जिनको फॉलो करके एक ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली वर्क कर सकता है। तो सबसे पहला प्रिंसिपल है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। साइंस मीन्स होता है हर चीज को साइंटिफिकली एक्सपीरियंस आफ्टर ऑब्जर्वेशन उसके बाद कोई डिसीजन लेना या काम करना। नॉट रूल ऑफ थंब का मतलब है मीन्स हिट एंड मिस मेथड, या जिसे बोलते हैं तुक्के वाला सिस्टम, वो नहीं अपनाएंगे। या मैनेजर अपनी मर्जी से कोई भी काम नहीं करेगा, उसको काम करना पड़ेगा साइंटिफिकली तरीके से। तो साइंस का मतलब हो गया कि जितने भी आप डिसीजन लेंगे वो साइंटिफिकली होने चाहिए। मीन्स आपको पहले से पता होगा कि किस सिचुएशन में कौन सा डिसीजन लेना है। इसके लिए आपको पहले स्टडी करनी पड़ेगी, रूल्स देखने पड़ेंगे, रेगुलेशंस, फिर आप फिर ही आप कोई डिसीजन लेंगे। ये नहीं कि अचानक मैनेजर अपनी मर्जी से या अपने फायदे के लिए कोई डिसीजन ले। सो यूज ऑफ साइंस, सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइंस का यूज करेंगे। दूसरा है बेस्ट मेथड, जो वर्क कंप्लीट करने का जो सबसे बेस्ट मेथड होगा उसी को अपनाएंगे। ये नहीं है कि कल ये देखेंगे, ये मेथड लगा के देखते हैं काम हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो दूसरा मेथड। इससे क्या होगा, आपका मैन मशीन मटेरियल टाइम बहुत कुछ वेस्ट हो जाएगा। और फिर आप दूसरा मेथड लगाएंगे उसका भी कोई पता नहीं कि रिजल्ट अच्छा आएगा या नहीं आएगा। तो आपने जो भी काम करने का मेथड अपनाना है वो बेस्ट अपनाया जाएगा, बेस्ट साइंटिफिकली डिसीजन लिए जाएंगे। मैनेजर अभी अपनी अपनी मर्जी से या अपनी इज्जत के लिए या अपने रुतबे के लिए कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लेगा जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन को क्या हो, लॉस हो। सो फर्स्ट प्रिंसिपल इज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, मैनेजर जो डिसीजन लेगा साइंटिफिकली ही लेगा। सेकंड है हार्मोनी नॉट डिस्टर्ब। हार्मोनी मीन्स होता है मिलजुल के साथ में काम करना, मीन्स वर्कर्स और मैनेजमेंट के साथ रिलेशन अच्छा रहना। जैसे इसमें हार्मोनी कैसे आएगी, शेयरिंग प्रॉफिट। ऑर्गेनाइजेशन में मान लीजिए हमने टारगेट अचीव करना, अगर टारगेट इजीली अचीव हो जाता है तो हम लोग अगर प्रॉफिट एक्सेस होता है उस प्रॉफिट को हम अपने एम्प्लॉयज के साथ क्या करेंगे, शेयर करेंगे, जिससे वो और मोटिवेट होंगे और उनके आपस में जो रिलेशन होंगे वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, जो कि ऑपरेशन के लिए बहुत अच्छे हैं। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट इन सेम। दोनों का इंटेंशन या दोनों का इरादा हमेशा ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। वर्कर्स ये नहीं सोचेंगे कि हमें ज़्यादा सैलरी मिलनी चाहिए, या मैनेजमेंट ये नहीं सोचेगा कि वर्कर्स से ज़्यादा काम लिया जाए। मीन्स दोनों का जो हित होगा वो ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए होना चाहिए, ना कि अपने फायदे के लिए। मेंटल रिवॉल्यूशन, मेंटल रिवॉल्यूशन में आता है कि हमने हेनरी फोर्ड के प्रिंसिपल में पढ़ा था। मेंटल रिवॉल्यूशन में क्या होता है कि दोनों को एक दूसरे के प्रति अपनी थिंकिंग क्या करनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी, दोनों को पॉजिटिव सोचना पड़ेगा। अगर दोनों ही एक दूसरे के प्रति निगेटिव सोचेंगे, वर्कर्स जैसे कि मैनेजमेंट हमसे ज़्यादा काम लेता है, या मैनेजमेंट सोचेगा कि वर्कर्स से ओवर टाइम कराया जाए, या वर्कर्स जानबूझ के कम काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर दोनों में क्लैश होने के या कन्फ्यूजन होने के चांसेस क्या रहते हैं, ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर मेंटल रिवॉल्यूशन में दोनों की पॉजिटिव थिंकिंग होना बहुत जरूरी है। पॉजिटिव थिंकिंग बोथ, यानी मैनेजमेंट भी सॉफ्ट कॉर्नर रखेगा, वर्कर्स को भी सॉफ्ट कॉर्नर रखना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ रेमुनरेशन। प्रिंसिपल रेमुनरेशन का मतलब हो गया, यहाँ पे रेमुनरेशन से रिलेटेड है वेजेस एंड सैलरी जो हम वर्कर्स को प्रोवाइड करते हैं। अगर आपने कंपटीटिव या सेटिस्फैक्ट्री सैलरी देते हैं तो वर्कर्स कभी भी आपके साथ ऐसा बिहेव नहीं करेंगे, या ऐसा नुकसान कभी भी आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन का नहीं होगा, कभी भी स्ट्राइक नहीं करेंगे। सो रेमुनरेशन में आप इक्वल वर्क, इक्वल रेमुनरेशन देंगे और एफिशिएंट वर्कर को ज़्यादा और इनएफिशिएंट वर्कर्स को क्या करेंगे, कम, जिससे दोनों ही को क्या रहेंगे, मोटिवेट रहेंगे। एक जापान में एक पेड़ है, अगर उनमें अगर मान लो कोई आपस में कंफ्लिक्ट भी होता है मैनेजमेंट में या वर्कर्स में, तो वर्कर्स कभी भी
टाइप पे नहीं जाते, वो क्या करते हैं एक ब्लैक ब्लैक पेपर यहाँ पे टाइप बांध लेते हैं बाजू में, और ये दिखाते हैं मैनेजमेंट को कि आप हम किसी ना किसी चीज़ से अनसेटिस्फाई हैं। मैनेजमेंट समझ जाता है कि वर्कर्स में कोई प्रॉब्लम है, तो वो वर्कर्स के साथ लीडर्स के साथ क्या करते हैं बात करते हैं, जिससे दोनों का ही बेनिफिट है। अगर वो स्ट्राइक करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन को लॉस होगा और मैनेजमेंट भी क्यों है स्ट्रिक डिसीजन लेता है। अगर सॉफ्ट कॉर्नर अपनाएंगे, दोनों ही पॉजिटिव सोचेंगे, तो दोनों के लिए क्या होगा, अच्छा होगा और सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा हमारे बिजनेस को। नेक्स्ट आता है कोऑपरेशन और इंडिविजुअल। कोऑपरेशन मीन्स सहयोग एक दूसरे के साथ, सजेशन जब भी कोई डिसीजन लिया जाएगा तो उनके सजेशंस दिए जाएंगे, वर्कर्स को इन्वाइट किया जाएगा, एम्प्लॉइज को कि आइए हम अपनी पॉलिसी बना रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, आप भी आइए, कोई अगर आपका अच्छा आइडिया उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, जिसके उनकी इंटरनली फीलिंग जो होगी बिलोंगिंगनेस अच्छी होगी कॉम्पिटिशन के प्रति। अगर कोई वर्कर अच्छा काम करता है उसको रिवार्ड भी दिया जाएगा, बोनस या अलग अलाउंसेस एक्स्ट्रा से दिए जाएंगे, जिससे एम्प्लॉइज क्या रहते हैं मोटिवेट रहते हैं, दोनों के आपस में सहयोग बना रहता है। ओपन कम्युनिकेशन हमने पहले बता दिया कि जब भी कोई मीटिंग होगी तो हम लोग वर्कर्स को भी उसमें एम्प्लॉइज को भी क्या करेंगे इन्वॉल्व करेंगे, या कहीं पे भी हम एज ए कई बार हम लोग अनऑफिशियल तरीके से भी वर्कर से या एम्प्लॉइज से बात कर सकते हैं, जिससे वो अपनी जो बातें सीधे हमसे नहीं कह सकते एक फ्रेंडली तरीके से भी बात करके अपनी प्रॉब्लम्स को बता सकते हैं या सजेशंस दे सकते हैं, या जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं ऑर्गेनाइजेशन में उसके साथ वो डीलिंग कर सकते हैं। तो दोनों के ही सहयोग से ही ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा बेनिफिट होगा। FW टेलर जो इस पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि तो दोनों का सहयोग होना जरूरी है अगर आपको ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को क्या करना है अचीव करना है। नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स। डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स में क्या होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा देखिए आपके पास मटेरियल और मशीन्स आपकी एसेट्स हैं, और सबसे बड़ी एसेट्स है आपके मैन। अगर आपके पास इतने भी महंगे साधन इतनी भी अच्छी मशीनें हो, अगर आपके पास एम्प्लॉइज अच्छे नहीं हैं तो आप कोई भी टारगेट अचीव नहीं कर सकते हैं। क्यों? इसीलिए सबसे बड़ी जो एसेट्स मानी जाती है वो मैन, जो आपके पास एम्प्लॉइज हैं या वर्कर्स हैं वो ट्रेन होने चाहिए। अगर नहीं है तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है ऑर्गेनाइजेशन की कि उन्हें ट्रेनिंग कराई जाए, उनका डेवलपमेंट हो। डेवलपमेंट मीन्स ट्रांसफर या प्रमोशन या ऐसे टास्क दिए जाए जो वो पूरा कर सके और सेल्फ मोटिवेट हो सके। सो इसमें हम आता है ट्रेनिंग करवाना, उनका डेवलपमेंट होना, साइंटिफिकली सिलेक्शन, जब आप सेलेक्ट कर रहे होंगे एम्प्लॉइज को तो साइंटिफिकली मेथड अपनाएंगे, मीन्स जिस काम के लिए हमें जो व्यक्ति चाहिए वही सेलेक्ट करेंगे, हम लोग अपना पर्सनल रेटिंग या ऐसा फ्रेंड एम्प्लॉय को सिलेक्शन नहीं करेंगे जो कि वो काम ही ना कर सके और ऑर्गेनाइजेशन को जिसका क्या हो नुकसान हो। राइट पर्सन फॉर राइट जॉब, मीन्स सही काम के लिए सही व्यक्ति का चुनाव भी इसमें आता है। सो टुडे स्टूडेंट्स वी डिस्कस अबाउट द साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बाय FW टेलर। फर्स्ट इज साइंस फॉर द रूल ऑफ थंब, सेकंड इज हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, थर्ड इज कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअल एंड डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटर एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।